हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, एसआरएफ, गेट, आईआईटी, जेम, किसी भी तरह के मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखना बहुत जरूरी है। मैं इसमें कंपटीशन एग्जामों में इन एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सोल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, हमारे पास फाइंड जेड वेयर dz अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y एंड dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस z। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब फिर से ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z तो ये हो जाएगा हमारे पास सो x d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू चाहे तो यहां से पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x प्लस z। ये हो गया, सॉरी 1 प्लस यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से पुट की तो ये हो गया हमारे पास। या इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये लिख दिया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स, पहले इसका हमें सी एफ निकालना होगा। अगर सी एफ निकालना है तो सी एफ निकालने के लिए एक्सेलरी इक्वेशन चाहिए हमें। तो एक्सेलरी इक्वेशन के लिए सिंपली हम डी की जगह एम पुट करते हैं और आर एच एस को जीरो कर देते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से एम बराबर आ गया प्लस माइनस 1। तो इसका सी एफ जो आ गया, सी एफ को यहां से हम लिख सकते हैं सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसमें 1 प्लस एक्स ये हो रहा है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ डी ऑफ क्यू एक्स। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। ये हो गया। अगर यहां से माइनस कॉमन ले रहे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ये टर्म आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, अगर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर का इनवर्स और 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1, सॉरी माइनस, अगर इसको ओपन करें तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी का 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी जो 1 माइनस एक्स इनवर्स वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो प्लस इस तरह से चलता हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब फिर से अगर हम देखें कि d बराबर क्या है, d अपॉन डी एक्स, तो यहां से d ओवर डी एक्स है, ये x की पावर 1 ही है। तो अगर डी स्क्वायर 2 टाइम भी डिफरेंशिएट होगा तो ये पूरी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पे इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 0, बाकी सारी टर्म 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि डी की पावर 4 4 टाइम डिफरेंशिएट, 4 टाइम डिफरेंशिएट, जबकि पावर हाईएस्ट एक्स की पावर यहाँ 1 ही है, तो इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से जो सॉल्यूशन है, यहां से हम लिख सकते हैं जेड बराबर, जेड हमारा चाहिए था, जेड बराबर सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, सॉरी माइनस 1 प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ऐसे और ही और क्वेश्चन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।